लोग, अभी हम आ चुके हैं दियोगी नारायण टेम्पल और हम आए थे ये जो पीछे टैक्सी देख रहे हैं इससे, जो कि सोनप्रयाग से आपको बुकिंग मिलेगी। तो आप 2000 रुपये में बुकिंग मिल जाएगी आपकी, जिसमें 7 लोग आ जाते हैं। अगर आप पर पर्सन के हिसाब से आना चाहते हैं तो आपके 200 रुपये पर पर्सन लौटा फेरी यहाँ से, वो वही टैक्सी वाले लेके आएंगे और वही आपको रिटर्न लेके चले जाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं सोनप्रयाग से त्रियोगी नारायण टेम्पल और यहाँ आसपास के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे दुकानें वगैरह लगी हैं, मंदिर तो देखा नहीं बट यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है। अभी आपको दिखाते चलते आगे। तो यहाँ पे त्रियोगी नारायण मंदिर पे कुछ ऐसी दुकानें आपको दिखाई देंगी और ये छोटा सा गेट दिखाई देगा, बाकी चलते हैं आगे। तो अभी हम आए थे त्रियोगी नारायण टेम्पल पे और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये त्रियोगी नारायण टेम्पल, और अभी आपको दिखाते हैं यहाँ की मान्य। ये यहाँ पे ये कहा जाता है कि भगवान शिव जी और पार्वती जी ने विवाह किया था और उस विवाह की अग्नि अभी भी जल रही है, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप दर्शन कीजिएगा मंदिर के, और यहाँ पे लोग जो शादी करना चाहता है वो यहाँ पे शादी वगैरह भी कर सकता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे कुंड बनाए गए हैं। पहले आप यहाँ स्नान कीजिए, फिर उसके साथ में एक और कुंड है, फिर वहाँ आपको स्नान करना पड़ेगा, फिर एक और कुंड है, तीसरे कुंड में आप जल छिड़किएगा, फिर वहाँ पे इस प्रकार की पूजा की थाली लेकर के आप अंदर प्रसाद चढ़ाने चले जाइएगा और चारों धाम यात्रा करके एक राजी खुशी घर में पहुँचाए और आपके कुटुम्ब परिवार की रक्षा करें। तो यहाँ पे भगवान शंकर की शादी हुई है विष्णु साक्षी कर। आपको पता होगा कि शिव जी की पहली पत्नी हरिद्वार कंकल में सती हो गई थी, तो उसके बाद यहाँ पे पर्वतों के राजा हिमांचल के घर में माता मैना की कोख से दोबारा जन्म लेती हैं माता पार्वती, इसीलिए उनका नाम पार्वती पड़ा है। तो ये चट्टान है, इस पे गौरी गुफा है। तो कई वर्षों तक माता ने यहाँ पे तपस्या की शिव जी को पाने के लिए, तो तब जाके शिव जी प्राप्त होते हैं उनको, तब उनके बाद उनकी शादी होती है विष्णु साक्षी करके। जैसे हम लोग गणेश जी को साक्षी मानते हैं, उन्होंने विष्णु भगवान को साक्षी मान के शादी की। तो प्रांगण में पहले ये 4 कुंड है, पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड, 2 कुंडों में स्नान होता है, तीसरा है विष्णु कुंड, उसमें ओम नमो नारायण करके आचमन होता है, चौथा सरस्वती कुंड है, उसमें पितृ तर्पण होते हैं, 5वीं जगह धर्मशिला है, वहाँ पे माता पार्वती का कन्यादान हुआ है। राजा हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान उसी जगह पे किया है, मोर मोतियों का दान करके और 1.25 लाख गाय दान करके यहाँ से विदा किया। तो उसके बाद यहाँ पे आगे जाएंगे, आगे छोटे छोटे मंदिर हैं, द्वारे पर गणेश जी हैं, उसके बगल में अन्नपूर्णा माता हैं, इधर से ईशानीश्वर महादेव हैं, उधर ऊपर बजरंगबली का मंदिर है और इधर अर्धनारीश्वर महादेव है। उसके बाद अंदर जाएंगे, अंदर भगवान विष्णु के दूर से दर्शन होते हैं, बीच में विष्णु भगवान, दाएं तरफ डोले पे लक्ष्मी जी, बाएं तरफ सरस्वती जी, आगे ताम्र शिला है, उसमें 108 शालिग्राम और एक आगे से एक बड़ी मूर्ति है, वो सत्यनारायण भगवान की है। सत्यनारायण भगवान के आगे से अखंड दीपक है, दीपक के नीचे शिव और पार्वती का वर वधु के रूप में जोड़ा सहित मूर्ति है। उसके बाद आगे आएंगे, वो 3 युग की धुनी जल रही है, वहीं पे माता पार्वती और शंकर भगवान ने फेरे लिए थे शादी के फेरे, तो वो अग्नि तब से जलती आ रही है, 3 युग हो गए अभी तक हाँ। नहीं, पहले अपने आप जलती थी, अब ये कलयुग है, उसमें लकड़ी डालनी पड़ती है उसको जिंदा रखने के लिए, आग वही है जब से भगवान जी ने फेरे लिए, बराबर जलती रहती है। तो यहाँ पे है 350 परिवार पंडितों के, तो एक दिन की ड्यूटी, 3 दिन की ड्यूटी एक परिवार की होती है, उसमें लकड़ी डालने की। तो ये है यहाँ का मतलब। बोलो नारायण भगवान की जय, बोले भोलेनाथ की जय, बोलो माता पार्वती की जय।